हेलो एंड वेलकम दोस्तों, तो स्वागत है युवा नए कमल के वीडियो में। तो आज हमारे पास है रियलमी का C21 डिवाइस, जिसमें है डिस्प्ले की समस्या, तो इसका जो डिस्प्ले फोल्डर है उसको रिप्लेस करेंगे बड़ी आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो जो हमारा ये डिवाइस है, इसमें जो डिस्प्ले है उसको विद फ्रेम, यानी कि जो हमने परचेस किया है मार्केट से विद फ्रेम है, आपको इसे चिपकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई ग्लू की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल साफ से बड़ी आसानी से रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो को इसके लिए लास्ट तक ज़रूर देखना होगा आपको। ये देखिए, मेरे पास सामने जो है वो फ्रेम है, उसी में डिस्प्ले एडजस्ट है, यानी कि जहाँ से मैंने परचेस किया है इसको वहाँ से मुझे ऐसा ही मिला है। यदि आपको भी इस प्रकार का कॉम्बो चाहिए तो आपको लोकल मार्केट में जाके उनसे बोलना होगा कि मुझे फोल्डर विद फ्रेम चाहिए, या फिर आपको ऑनलाइन मंगाना है तो वहाँ पर भी डिस्प्ले विद फ्रेम सर्च करना होगा किसी भी मॉडल का। इसके बारे में अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसको फिक्स किस तरह से करना है आपको, क्योंकि मैंने अभी तक तो जितनी भी वीडियो बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट से कॉम्बो या डिस्प्ले हो या फोल्डर जो भी आप बोलते हैं उसको अगर परचेस करने का तो किस प्रकार से एडजस्ट करना है, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस होगा वो सबसे अलग होगा। ये देखिए, हमारा जो फ़ोन है उसका जो बैक पैनल है वो निकल गया है, और साथ में उसके जो मेन बोर्ड है उसके जो ऊपर कवर जो होता है वो भी निकाल लिया है, क्योंकि इसके स्क्रू वगैरह जो थे वो मैंने पहले ही निकाल लिए थे। ये देखिए, हमारा जो बैक ढक्कन है इसका एक कोना हालांकि ख़राब है, जो कस्टमर थे उन्होंने बैक पैनल चेंज करने के लिए मना कर दिया था, तो इसलिए बैक पैनल मैंने चेंज नहीं किया है। इसका जो फ्रेम है वो मैंने चेंज किया है, क्योंकि इसका जो फ्रेम है वो ऑलरेडी टेढ़ा हो चुका था, तो फ्रेम चेंज करने की मुझे ज़रूरत थी भी, और मुझे मार्केट में भी ये फोल्डर जो था विद फ्रेम के मिल गया, तो मुझे और भी आसानी होगी इसे लगाने में। तो मैं आपको भी बताऊंगा आप भी किस प्रकार से इस लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मेन बोर्ड वगैरह, बैटरी और इसका जो सेकेंडरी बोर्ड है, स्पीकर रिंगर डिब्बी है, उनको सबको निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इसका मेन बोर्ड निकाला, उसके बाद रिंगर डिब्बी जो होती है, ईयर पीस रिंगर बोलते हैं इसको, जिससे कॉलिंग पर बातें होती हैं, जो हमारा साउंड जो होता है वो सुनाई देता है। उसके बाद इसकी जो बैटरी है वो भी निकाल लेनी है, बड़ी आसानी से निकल जाएगी। हालाँकि यदि आपका जो डिवाइस है उसमें आसानी से नहीं निकलती है तो आपको थोड़ा जो ताकत है वो लगानी पड़ेगी, उसके बाद बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ये जो मैंने कॉम्बो लिया है विद फ्रेम, इसमें जो वॉल्यूम और अप डाउन और जो पावर की है वो इसमें इनबिल्ट था, यानी पहले से ही लगा हुआ था। हो सकता है आपका जो डिवाइस है उसमें वॉल्यूम पता नहीं लगा हुआ हो, तो आपको अपने जो पुराने डिवाइस है उसमें से निकालना होगा और उसके बाद लगाना होगा। हालांकि जो मेरा जो डिवाइस है उसमें ये लगा हुआ था, तो मुझे इसमें से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो स्पीकर कनेक्टर है उसके लिए जो फ्लेक्स यानी पत्ता दिया गया है वो भी लगा हुआ है, मैंने सारे सब कुछ निकाल लिया है। लास्ट में रह गया है हमारा वाइब्रेशन मोटर। हालांकि अगर मेरे जो सेकेंडरी बोर्ड है उस जो LCD फ्रेम लिया है मैंने, उसमें अगर स्पीकर के लिए कनेक्टर नहीं लगा हुआ होता तो ये कनेक्टर जो दिख रहा है आपको ये भी मुझे निकालना पड़ता, साथ में जो वॉल्यूम अप डाउन की है वो भी निकालने पड़ते, लेकिन मैं इन्हें नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं, इनको निकाल के अलग रख देंगे क्योंकि किसी और भी डिवाइस में ये काम आ सकते हैं। तो सारे के सारे जो पार्ट हैं हमने वो निकाल लिए हैं। उसके बाद हमारा जो न्यू कॉम्बो है विद फ्रेम वाला, उसको ले लेना है, ये हमने ले लिया है, और जो पार्ट हैं वो सेम टू सेम उसी प्रकार से एडजस्ट कर देने हैं। वाइब्रेशन मोटर लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि वाइब्रेशन मोटर में हमारे में जो ग्लू थी वो पहले से ही लगी हुई थी, तो इसलिए मैं उसको ऐसे ही एडजस्ट कर दूंगा। उसके बाद हमारा जो जो सेकेंडरी बोर्ड है मैं उसे लगाऊंगा, तो उससे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से जो वाइब्रेशन मोटर है वो इसमें एडजस्ट हो गई है। उसके बाद ये देखिए, हमारा जो सेकेंडरी बोर्ड है ये भी बड़ी आसानी से लग जाएगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा आपका जो नेटवर्क वायर है वो किधर होकर निकला हुआ है और किधर से उसे निकालना है। सेकेंडरी बोर्ड भी हमारा एडजस्ट हो चुका है, उसके बाद इसको फिक्स करेंगे, इसकी जो पोजीशन है उस पर फिक्स हो चुका है। उसके बाद इसका जो नेटवर्क वायर है इसको जहाँ होके इसे निकालना होता है वहाँ होके निकालेंगे, यानी कि इसकी पोजीशन से होके इसको एडजस्ट कर देंगे हमारा जो न्यू फ्रेम है, क्योंकि अगर आप अलग से फ्रेम लेंगे और डिस्प्ले लेंगे तो उसमें झंझट रहता है, आपको फ्रेम में तो सारा सामान चेंज करना ही है, उसके बाद आपको ग्लू लगा के फोल्डर को भी चिपकाना है। तो इससे बढ़िया ये है कि आप मार्केट में जाएं और वहाँ से जिस भी शॉपकीपर के पास जाएं तो उससे बोलें कि मुझे इसका जो कोई भी आपका जो मॉडल है उसका फोल्डर चाहिए और विद फ्रेम चाहिए। उसमें आपके पास कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं भी नहीं है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना और उससे आप समझ जाएंगे पूरी तरह से कि मुझे किस प्रकार से इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए, हमारा नीचे का जो सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, इसकी जो सेकेंडरी बोर्ड है, स्पीकर रिंगर डिब्बी है, वो सब कुछ एडजस्ट हो चुका है। थोड़ा सा और काम रह गया इसमें,
यानी कि जो ईयरपीस रिंगर है उसको लगाएंगे, और यहाँ पे कैमरा के ऊपर एक रबर टाइप में लगी हुई होती है ताकि धूल ज़्यादा ना जाए इसमें, उसको लगा दिया है। उसके बाद इसका जो ईयरपीस रिंगर है यानी छोटा वाला जो स्पीकर होता है उसको भी लगा देंगे, ये भी लगा दिया है हमने। उसके बाद हमारा जो मेन बोर्ड है उसको एडजस्ट करेंगे अपना जो न्यू फ्रेम है, और इसमें ये आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। हाल आगे कहीं पे इसमें साँचे होते हैं फंसाने के लिए, यानी कुछ सॉकेट नुमा निकले हुए होते हैं जिनसे बोर्ड को फंसाया जाता है। ये देखिए हमारा जो बोर्ड है वो लगभग एडजस्ट हो चुका है, लेकिन अभी ये सही से एडजस्ट नहीं हो रहा था तो मैंने दोबारा से हटा के इसको लगा लिया है। एडजस्ट हो चुका है बढ़िया आसानी से बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद इसके जो कनेक्टर हैं, कनेक्टर जितने भी हैं उनको कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए इसका जो डिस्प्ले फ्लेक्स है और सेकेंडरी बोर्ड है उसमें एक ही फ्लेक्स जा रहा था, तो मैंने उनको भी कनेक्ट कर लिया है यहाँ पे। ये देखिए ये कनेक्ट हो चुके हैं। और उसके बाद इसकी जो नेटवर्क वायर है हम इसको एडजस्ट करेंगे। इसको आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, जैसा जैसा मैं दिखा रहा हूँ आप उस प्रकार से भी देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद नहीं आ रही हो या समझ में नहीं आ रही हो तो वीडियो को एक बार वापस जाकर दोबारा देख सकते हैं। ये देखिए इसमें जो स्टिकर लगा हुआ था इसके नीचे गिलू लगी हुई है जिसको जो कि बैटरी को फिक्स करेगी। गिलू निकाल के मैंने बैटरी को इसमें एडजस्ट कर दिया है और हमारी बैटरी भी फिक्स हो चुकी है, ना ही ये हिलेगी ना ही डुलेगी। उसके बाद इसकी जो बैटरी सेकेंडरी बोर्ड मेन बोर्ड स्पीकर रिंगर और ईयरपीस रिंगर वगैरह सब कुछ लग चुका है इसमें। इसके बाद जो फिंगरप्रिंट का कनेक्टर है फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा दिया है हमने। और उसके बाद मेन बोर्ड का जो कैप था यानी कि जो कवर था मेन बोर्ड का या इसकी जो डिब्बी थी उसको लगा के इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद इसके जो स्क्रू हैं उनको लगाएंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दूंगा स्क्रू लगाने की ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए हमारा जो डिवाइस है इसके सारे के सारे स्क्रू लगभग लग चुके हैं। और इसके बाद इसका हमारा जो फ़ोन है उसका बैक पैनल लगाएंगे। हालांकि जो हमारा जो डिवाइस है मैंने इसकी शुरुआत में मैंने आपको जो टच और फोल्डर है उसको वर्क करके नहीं दिखाया था, क्योंकि मैंने पहले ये वर्क कर लिया था जहां से मैंने परचेस किया था, तो मैं शॉप पर ही इसको चेक कर लाया था। हालांकि आप कहीं से फोल्डर ले रहे हैं डिस्प्ले ले रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको चेक कीजिए, उसके बाद ही अपने जो डिवाइस है उसको असेंबल करना स्टार्ट कीजिए, यानी कि जो डिस्प्ले है उसको अपने फ़ोन में लगाना। तो ये देखिए हमारा जो डिवाइस है ये पावर ऑन भी हो चुका है। डिस्प्ले से संबंधित या फोल्डर से संबंधित कोई आपको और भी टिप्स या कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपकी जानकारी थोड़ी बड़ी है मुझे समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मैसेज करने के लिए बोल देता हूँ, तो आप सिंपल सा वहाँ पर DM कर दिया करें, मैं वहाँ पर आपको 100% रिप्लाई दे देता हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सेम डे नहीं मिल पाता है तो मैं अगले दिन आपको रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए क्राउन क्वालिटी का फोल्डर है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए वीडियो को यहीं पर करते हैं ख़त्म। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।